नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने व्हीकल का दिल्ली का रोड टैक्स कैसे भर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास कोई कमर्शियल व्हीकल है, फिर चाहे वो टैक्सी हो या कोई लोडिंग व्हीकल हो, तो आप उसका दिल्ली का रोड टैक्स कैसे भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आपके भाई के चैनल पर चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अब आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे यहाँ पर मिल जाएगी और चैनल के होम पेज पर भी यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियो बनाता रहूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको परिवहन सेवा की इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको अबाउट अस के बगल में ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पे अपना कर्सर ले जाना है। देन यहां से ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके आपको स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, इस तरीके से दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज शो होगा, आपको इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड में आपको दो ऑप्शन दिखेगा, पहला है रजिस्टर करने का और दूसरा है लॉगिन करने का, ठीक है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे पहले रजिस्टर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं, तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर हैं तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस फर्स्ट वाले कॉलम में आपको अपनी यूजर आईडी भर लेनी है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड भर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इसे आपको इस वाले बॉक्स में भर के यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डिटेल भर के लॉगिन कर लेता हूँ। पहले लॉगिन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाएगा तीसरे नंबर पर डैशबोर्ड के बगल में, और यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है पे व्हीकल टैक्स वाला, आपको इससे ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, इस वाले बॉक्स में आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेना है, यानी कि व्हीकल नंबर, और यहाँ पे आपको अपने व्हीकल के 66 नंबर के लास्ट के 5 डिजिट भर लेने हैं। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में भर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैक्स मोड सेलेक्ट करना है, यानी कि आप ईयरली टैक्स भरना चाहते हैं, क्वार्टरली भरना चाहते हैं, या लाइफ टाइम भरना चाहते हैं, या फिर मंथली भरना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो जितने भी दिन का आपको टैक्स भरना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे ईयरली भरना है, यानी एक साल का, तो मैं ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एक साल का कितना टैक्स लग रहा है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बाकी की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा और नीचे जाना है और यहाँ पे आपको ओनर डिटेल भी शो हो जाएगी कि ओनर का नाम क्या है, व्हीकल का मेकर क्या है, इंजन नंबर वगैरह, चेसिस नंबर, ये सब आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोबारा आपको ऊपर ही आ जाना है और यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा, प्लीज रीड इट केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट, ठीक है, यानी कि आपको सब कुछ ध्यान से पढ़ लेना है पेमेंट के लिए प्रोसीड करने से पहले, तो इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, आपको यहाँ सेलेक्ट वाले पे क्लिक करके पेमेंट का गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट वाले पे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक है SBI ई पे मल्टी बैंकिंग और दूसरा है SBI मल्टी बैंक पेमेंट, तो आप इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको इस टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में टिक कर लेना है इस तरीके से, देन यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल भर के इसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है, और अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप SBI से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे स्टेट बैंक लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ से आप पे नाउ पे क्लिक करके स्टेट बैंक का अगर आपका बैंक है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई अदर बैंक है तो आपको यहाँ से इसे अनटिक कर देना है। देन यहाँ
यहाँ पे क्लिक करके आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे बैंक यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनमें से अगर कोई बैंक है आपका तो वो बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पे नाउ पे करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है तीसरे वाले पे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है एंटर UPI ID और दूसरा है UPI QR का, यानी कि आप UPI ID भर के पेमेंट करना चाहते हैं या UPI QR कोड स्कैन करके। तो अगर आपको UPI ID भर के पेमेंट करनी है तो आपको ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपनी UPI ID भर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको वैलिडेट UPI ID पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में वेरीफाइड का टिक आ जाएगा, यानी कि आपकी ये UPI ID जो है वो वेरीफाई हो गई है। देन आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपकी पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। आप नीचे जाएंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, तो आपको प्रिंट पे क्लिक करके इसे प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अपने व्हीकल का दिल्ली का रोड टैक्स भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।